जाते हुए मैं बच्चों को लेकर हमको रोजगारों को लट मारे मार के बेटे से जानते मतलब बहुत ही खराब काम कर दिया हमको अधूरा छोड़ दिया सर मार मार के हम कहाँ जाइए। जैसे ही शटर का ताला खुला तो ये लोग मतलब कितना तोड़ा ताड़ी कर रहे थे, लेकिन इस मामले में आज तक मुझे अवगत नहीं करवाया गया कि भाई तोड़ने का कारण क्या है। हमको अधूरे क्यों छोड़ दिया इन्होंने, अधूरे नहीं जीना चाहते हम कैसे जी हमें। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इसी साल जनवरी में इंडियन एक्सप्रेस में अपूर्व विश्वनाथ और असद रहमान की रिपोर्ट छपती है कि कानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में शामिल लोगों पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगता है। इस आरोप के कारण उन सभी को नोटिस भेजा जाता है कि आप पर जुर्माना लगेगा। एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सारे नोटिस एक ही समुदाय के लोगों को भेजे गए और उनमें से भी ज्यादातर गरीब लोग थे। उसके बाद जब हम लोग घर जा रहे थे, आलोक पांडे की यह रिपोर्ट आप प्राइम टाइम में पहले देख चुके हैं। महनूर चौधरी कबाड़ का काम करते हैं। फरवरी 2020 में यूपी सरकार ने उनकी दुकान सील कर दी, तब से उनकी कमाई भी बंद हो गई। महनूर चौधरी का आरोप था कि दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून के विरोध में जो हिंसा हुई उसमें कथित रूप से शामिल बताए गए। उन्हें 21 लाख जुर्माना वसूली का नोटिस दे दिया गया। इसी तरह रंगकर्मी दीपक को भी 60 लाख का नोटिस भेजा गया। आलोक की रिपोर्ट फरवरी महीने की है, जब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यूपी में इस तरह के 274 नोटिसों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गैर कानूनी माना था। कहने का मतलब है कि जिन फैसलों को सरकार दमखम से सही बताती है और अफसर बताते हैं वो कई बार कोर्ट की नजर में गैर कानूनी भी होते हैं। उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार और अफसरों ने भी ऐसा ही कुछ कहा होगा कि दोषियों को बख्शा नहीं जा रहा है और सभी दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को ध्यान में रखिएगा, तब आप मध्य प्रदेश के मामले को समझ पाएंगे। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बदले जुर्माना का नोटिस भेजने के लिए एक पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जहां दोष साबित किया जाता है, फिर नोटिस दिया जाता है। हम यह चर्चा मध्य प्रदेश के खारगोन में गिराए गए मकानों और दुकानों के संदर्भ में कर रहे हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर हुई बहस और टिप्पणियों को देखेंगे और साथ ही मीडिया रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अक्सर हिंसा के बहाने एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और प्रशासन अपनी तरह से मनमानी करता रहा है। कानपुर में 21 ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया जो दिहाड़ी मजदूर थे, अपना पक्ष रखने इलाहाबाद हाईकोर्ट तक नहीं जा सके, इतने गरीब थे। सबने प्रशासन को मजबूरी में 13,476 रुपए का जुर्माना भर दिया। परवेज आरिफ टीटू की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तब अदालत की टिप्पणी से साफ हो गया कि किस तरह एक तरफा फैसला लिया गया था। यहां तक कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना तय करने की जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, खुद सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में उसका पालन नहीं किया गया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि इन मामलों में न्यायिक अधिकारी सुनवाई करेंगे, तब प्रशासनिक अधिकारी एडीएम ने कैसे कार्रवाई का संचालन कर दिया? आखिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई गाइडलाइन को अनदेखा करने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? क्या प्रशासन से इतनी बड़ी चूक यूं ही हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ। अदालत ने कहा कि इस तरह से जितने भी नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें एक झटके में खत्म किया जाए और लोगों के दरवाजे पर जाकर जुर्माने की राशि लौटा दी जाए। 16 मार्च 2022 के इंडियन एक्सप्रेस में इसी से संबंधित एक खबर छपी है कि कानपुर प्रशासन ने 274 नोटिस वापस ले लिए हैं और जो जुर्माना वसूला गया था उसे लौटा दिया है। अब नई प्रक्रियाओं के तहत सारी चीजें हो रही हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा था कि इन मामलों में आप ही शिकायत करता है, आप ही जज हैं और आप ही संपत्ति जब्त कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यूपी सरकार से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा नहीं कर सकते।
अब नए नियमों के तहत फिर से इन मामलों में कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई थी, अगर अदालत तक ये याचिका नहीं पहुंचती तो कितना अन्याय हो जाता। जिस तरह से मध्य प्रदेश में संदेह के आधार पर घरों को ढहाया गया है और अब कहा जा रहा है कि अवैध रूप से अतिक्रमण था इसलिए इन्हें गिराया गया है, लेकिन क्या इसी कारण से ऐसा हुआ है? सिर्फ यही कारण है? हिंदू अखबार में इंदौर के डिविजनल कमिश्नर पवन शर्मा का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि इसलिए किया गया क्योंकि सभी तो नहीं मगर कुछ आरोपी सांप्रदायिक दंगों में शामिल थे जो इन संपत्तियों के मालिक भी हैं। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया है। जब पूछा गया कि कोर्ट का आदेश नहीं, तब शर्मा ने कहा कि अगर अवैध ढांचा है तब हम जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं। अनुराग द्वारी खारगोन में है, वहां से उनकी ये रिपोर्ट देखिए। शिराज भी और मंजुलाबाई बिल्कुल एक जैसी हैं। दोनों बेवा हैं, घर पर कोई पुरुष सदस्य नहीं है। शिराज भी मंदिर में चढ़ाने के लिए माला बनाती हैं। घर पर दंगाइयों ने हमला बोला, घर जला दिया, बर्तन भांडे सब कुछ। मंजुलाबाई संजय नगर में रहती हैं, मजदूरी करती हैं, दो पोती हैं और एक बहू। इनके घर से भी दंगाई सब ले गए, बस झुलसा हुआ घर बचा है। घुसने की कोशिश करते हैं, छत गिरी तो न, फिर आग लगा गए थे। देखो कपड़े, डब्बे, चावल, गेहूं, सब इनके अनाज वगैरह सब ये देखो मैं नए कपड़े गोदरेज में से निकाल के जाने। तो हम इधर ये जगह हमने हाई बाप से निकले, मैंने कहा देख ये सामने वाले सब घुस रहे हैं, तो दो चार इंसान चढ़े और आठ दस इंसान सब वहाँ खड़े हुए दीवार तोड़ के। फिर हमें तो इधर निकले, इधर से फिर छोड़ी ना, डर गए। हाँ, हम अकेले थे ना भैया, हमारे घर कोई आदमी होता तो हम उनका मुकाबला करते। अब वो इधर सब पुलिस वाले खड़े थे, उनको छोरी ने बोला अंकल जी पीछे से आग लगा दी हमारे घर को, बोला आप बाहर निकलो। सब लूट लिया गए, कुछ भी नहीं बचा इसमें। सर क्या पहनेंगे? बच्चे बच्चे कितने? उसके दो लड़के हैं। दो लड़के हैं छोटे? नहीं। अच्छा, बेटा आपका शांत हो गया? हाँ बेटा मेरा शांत। दो महिलाएं ही हैं आपके घर में, क्या करती हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? फिर कहाँ गए आप लोग जब ये जलना जलाने वाला ने शुरू किया? तो जलाया नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, उसके पहले हम भग गए थे। भग गए थे? हाँ। उसके बाद दंगाइयों ने आके पूरा जला, हाँ, जला दिया पूरा ऊपर आपके सब सब पूरा सब सब खत्म हो गया। संजय नगर में कई घरों में दंगों के जख्म मिल जाएंगे। यहाँ लोगों का कहना है कि दंगों ने उनके घर को तीसरी चौथी दफे झुलसा दिया, वो अब मकान बेचना चाहते हैं। घर के बाहर बाकायदा उन्होंने इसकी तख्ती लगा दी है। कलेक्टर हमारे सामने कहने लगी ये बदमाशी बाहर के लोगों ने की है, तो सुनिए लोगों ने उनके सामने ही क्या कहा। मैम जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने ही लिखा है, इन्होंने खुद लिखा है? नहीं, खुद नहीं है, आपके आपके मोहल्ले के लोग आके लिखे हैं क्या? नहीं है ना, यही पूछ लीजिए। नहीं, उन्होंने खुद कहा कि मैंने लिखा। मैम अब भी कह रहे हो, देखिए आपके सामने कह रहे हैं वो हमने लिखा है, ये मकान बिका हुआ है। मैं ये बोल रही हूँ इनका मोहल्ला का लोग लिखा नहीं है ये। क्या हुआ, क्यों लिखा आपने? इसलिए ये चौथी बार दंगा हो रहा है, कब तक दम रखेंगे हम भी सर? आपके घर को टारगेट किया गया है? यहाँ के ये चार पांच घर के टारगेट में ही रहते हैं। प्रीति चांदोले का घर भी तीसरी बार जला, वो पढ़ी लिखी है, सारे सर्टिफिकेट जल गए। कहती हैं पड़ोसियों ने उनके घर पर सिलेंडर फेंक दिया था। फिर भी पथराव चालू ही था, फिर हमारे घरों में पानी पीने के मटके नहीं हैं लोगों ने। मैं तो बाहर जाई हुई थी, उधर निकली हुई थी, मेरे बच्चे ने बोला है मुझसे ना दंगा हो रहा है। मैंने बोला क्यों, मैं डर के उधर ही रहने में, हाँ ठीक है, तो मैं उधर ही बस्ती में रुक गई थी। इस पूरी गली में दर्जनों घर बिकने को तैयार है, सबकी कहानी एक जैसी। लूटपाट लूटपाट करी आप, अलमारियों को देखो, मेरी माँ का पूरा यानी कि खर्च कार्य का सामान का पैसा ले गए, मेरे रकम भाव ले गए। उन्होंने क्या करा, दरवाजा खुला, पहले मेन गेट का दरवाजा उन्होंने अंदर से बंद करा। अच्छा, उन लोगों ने अंदर से बंद करा। तो ये सारे आपके कपड़े जो जला दिए गए, अंदर भी पूरा जला दिया गया, सब जला दिया। ये आपके बच्चों की तस्वीरें हैं, ये भी तोड़ उठा के लिए, वो तो छोड़ो, वो तो 100-150 की चीजें, ये 10-12 कूलर, सोफे, फ्रिज, ये सब ये उठा के ले गए। शाम को 5:30 बजे हम सब थे घर पे, मैं तो खाली घर पे जाता, बच्चे बच्चे बहुत है। बापरी, तो पूरा अंदर से आग लगा दिया, सामान सब जला दिया, 40-50 कूलर। कोई घर में तो नहीं था उस दिन?
घर में बच्चे थे और बुवे थी। तो के भगे धक्के मारे, पत्थर मार रहे लोग। किधर भगे फिर आप? इधर भगे चारों तरफ, सब आग लगा दो, पेट्रोल में डाल के नो फेंके लोया बना के, पेट्रोल बम जैसे कुछ। हाँ, बम जैसे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री शायद इन्हीं तस्वीरों के लिए हमें कोस रहे थे। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई उसको कुचल देंगे, ये हम जानते हैं। वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है, है ना? हमला कहाँ से हुआ? आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। मंत्री जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सुना तो होगा पीड़ित क्या कह रहे हैं, सरकार से उन्हें क्या शिकायत है। बहरहाल, आपका बुलडोजर तो खुद प्रधानमंत्री आवास पर भी चल रहा है। खसखसवाड़ी में प्रशासन ने 12 मकान ढहाए, कहा सब अवैध अतिक्रमण है। हालांकि लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें नोटिस दिया गया था। हसीना फकरू को 2.5 लाख में प्रधानमंत्री आवास मिला, सारे दस्तावेज हैं। घर के पीछे फिलहाल वो बरसाती लगाकर बच्चों के साथ रह रही हैं, बातें करते रो देती हैं। पर हमारा अच्छा तो क्या करा उन्होंने, हमारा बहुत ही खराब काम कर दिया, हमको अधूर छोड़ दिए सर, मार मार के हम कहाँ जाइए। आप मत रहिए, देखिए आप रोती हैं, जमीन भी दिए। मैं बात नहीं कर पा रहा आपसे, आप रो रही हैं ना, आप चुप हो जाइए, बिल्कुल आपके लिए इंसाफ होगा, हम भी सरकार से बात करेंगे। क्या आपके किसी बच्चे का नाम दंगे में था? नहीं सर, बहुत सीधे बच्चे हमारे, इतने सीधे बच्चे, किसी का कोई एफआईआर नहीं, कोई का नहीं नाम है। क्या कभी आपको कोई नोटिस मिला था कि ये घर आपको खाली करना है सरकार ने? नोटिस तो हमको मिले थे, मिले थे। हाँ, और हम तहसील में भी कई बार गए, केस चल रहा था हमारा जी, ना फिर बाद में बंद कर दिया था। अच्छा। मोहम्मद रफीक छोटी मोहन टॉकीज इलाके में रहते हैं, इनके घर का हिस्सा भी अवैध बताकर ढहा दिया गया। वैसे इनका कहना है कि इन्हें कभी नोटिस नहीं मिला। इस मामले में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, मैं जब सवेरे देखा कि मेरे सामने बहुत सारी पुलिस वगैरह और ये वो थे, और मतलब इन्होंने जब मेरे शटर के ऊपर आवाज़ आने लगी तो मैंने उठा और जाकर के देखा हूँ कि भाई क्या, तो मतलब मैंने शटर का ताला खोला, जैसे ही शटर का ताला खोला तो ये लोग मतलब कितना तोड़ा ताड़ी कर रहे थे। लेकिन इस मामले में आज तक मुझे अवगत नहीं करवाया गया कि भाई तोड़ने का कारण क्या है। हमने जो कार्रवाई किया है वो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे वो, या इलीगल बिल्डिंग्स थे, जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही किया है। मैंने कुछ पत्रकार लोगों के, मेरा जो तहसील ऑफिस या एसडीएम ऑफिस की ऑर्डर है वो भी हमने शेयर किया है, ये अतिक्रमण की स्ट्रक्चर है। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, आप जो है अभी आपने जहाँ भी देखते हैं दूसरे तरफ भी एक बार चेक करा लीजिए, हमने हटाए हैं या नहीं हटाए हैं, हम तो सभी बराबर है, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है। दंगों में गोली से घायल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। बताते हैं कि कैसे तलवार लेकर भिड़े दंगाई को बचाने उन पर किसी ने गोली चला दी। फाइनली संजय नगर में घटना जब सामने आई तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो दोनों पक्ष पथराव कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ तलवार वगैरह लेके भी लोग दौड़े, तो हम लोगों ने उसे पकड़ा, तो उसे कोई कवर दे रहा था, तो भीड़ में से किसी ने फायर किया जो मेरे बैक पैड में लगी, लेकिन वहाँ फोर्स तब तक और हमने बुला लिया था, और फोर्स ने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को अलग अलग किया। तो आप पहचान पाए जिसने आप पर गोली चलाई, या उसकी कोई शिनाख्त हो पाई? और उसमें हम काम कर रहे हैं। खरगोन तनाव में है, शहर पोस्टरों से पटे पड़े हैं, लेकिन सब एक उदास खामोशी के गवाह बने हुए हैं। शोर बुलडोजर का है जिसमें 52 से ज्यादा निर्माण को अवैध बताकर तोड़ा गया है, बाकी जो जख्मी हैं वो सिसक रहे हैं गुमसुम। दोनों समुदायों को नुकसान हुआ, दोनों समुदायों के घर जलाए गए, क्या कह सकते हैं। इस मौके पर मुझे मेरे पसंदीदा शायर बशीर बद्र की वो लाइनें ही याद आ रही हैं जिन्होंने कभी लिखा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते यूँ बस्तियां जलाने में। खरगोन से अपने कैमरे सहयोगी रिजवान खान और आसिफ के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अनुराग की इस रिपोर्ट में कई पहलू हैं। सांप्रदायिक तनाव भड़काने में किनका हाथ था, घरों को किसने जलाया, क्या दंगाइयों को सजा देने के लिए मकान दुकान ढहा दिए गए, तब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन ने इतनी जल्दी सबकी पहचान साबित कर ली, दोष साबित हो गया, क्या दंगे में दूसरी तरफ से कोई नहीं था। प्रशासन के पास इस सवाल का जवाब दूसरा है कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है, अवैध काम किया है, उनके घर और दुकान तोड़े गए हैं। नफरत की इस राजनीति ने दोनों समुदायों को किस तरह एक दूसरे के सामने खड़ा करने की कोशिश की है आप देख रहे हैं। कोई बच नहीं पा रहा है, सुरक्षित कोई नहीं। इस झगड़े में आम लोग ही निशाने पर आ रहे हैं,
और खास लोग राजनीति कर रहे हैं। इस वीडियो में कोई आवाज नहीं है, हमने आवाज खत्म कर दी है क्योंकि हम सुना नहीं सकते, मगर ये झारखंड के कोडरमा के नौजवान हैं जो भगवा झंडा लिए हुए हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को गालियां दे रहे हैं। वहां पर पुलिस मौजूद है, मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं, नारों की तरह गालियां दे रहे हैं। आज के युवा इस तरह से गाली देने का हौसला कहां से लाते हैं? 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अगर सोच सकते हैं तो सोचिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने इसलिए इन आवाजों को बंद कर दिया है, कोई म्यूजिक नहीं लगाया है, ताकि आप इस सन्नाटे को अपने भीतर महसूस कर सकें। इस वीडियो को अगर मैं सुना दूं तो व्हाट्सएप के वीडियो कॉल में बहुत सारे एनआरआई अंकिलों की अकल गायब हो जाएगी, समझ नहीं आएगा कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। गौरक्षक गौरक्षक कहते कहते समाज में हमने एक धर्म पुलिस बना दी है, कथित रूप से अपराधी धर्म और गाय की आड़ में किसी की हत्या कर दे रहे हैं, या धर्म या गाय के नाम पर अपराध को मान्यता मिलने लग जा रही है। दिल्ली में गोकुशी के संदेह के बाद कुछ गौरक्षक आए और उन्होंने गौशाला के केयर टेकर राजा राम को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। क्या इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं थी? तब फिर गौरक्षक को ही पुलिस की मान्यता दे दीजिए, ताकि पता तो चले कि पुलिस आई थी। 40 साल के राजा राम की पत्नी जासो और उनके 4 बच्चे बेसहारा हो गए हैं। सोमवार सुबह तड़के जब पूरा परिवार सो रहा था, उसी समय राजा राम पर कुछ कथित गौरक्षकों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 और लोग घायल हो गए, लेकिन राजा राम की इतनी पिटाई हुई कि उसकी मौत हो गई। राजा राम का शव अभी भी अस्पताल में है। पुलिस ने उसकी पत्नी को ये तक नहीं बताया कि उसकी मौत हो गई है। जाशो का कहना है कि गौ हत्या की बात बिल्कुल झूठी है। हमें तो पता नहीं, हमें तो आदमी ने उठाए थे, मैं बेहोश पड़ी थी। अच्छा, आप लोग सो रहे थे यहाँ पर? बेहोश थे हम, तो पता नहीं थे इसने सोने के बाद क्या मारा नहीं मारा, तो ये पता नहीं। राम कहाँ पर थे उस समय? वे रात में मच्छरदानी में बाहर सोए हुए थे सर। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि राजा राम ने गाय काटी यहाँ पर या गाय कटवाते थे वो यहाँ पर, ये क्या? नहीं सर, कुछ नहीं करवाते थे, वे बीमार रहते थे बहुत ज्यादा, मैदा उस सेवा करती थी बस। अच्छा, राजा राम इसी फार्म हाउस में केयर टेकर थे। वही इस मामले में दिल्ली पुलिस का बयान भी संदेह के घेरे में है। पुलिस का दावा है कि उन्हें सोमवार सुबह फार्म हाउस में गोकशी की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गोकशी के आरोप में राजा राम समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी की मेडिकल जांच के बाद उन्हें थाने लाया गया। थाने में एक आरोपी शानू ने बताया कि गोकशी के दौरान उनकी कुछ लोगों ने पिटाई की है। इसी बीच आरोपी राजा राम की तबीयत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन राजा राम के कातिल अब तक फरार हैं। खास बात यह है कि राजा राम के फार्म हाउस में कई गायें हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि इन गायों की वो सेवा करती हैं और दूध बेचकर अपना गुजारा करती हैं। राजा राम का 14 साल का बेटा भी गुरुग्राम की एक गौशाला में काम करता है। कि 2 साल से मैं यहाँ पे जाने लग रहा हूँ, तो ऐसा कभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे अचानक कैसे हो जाएगा? अच्छा, बस इनका ये था कि भाई ये गाय बेचते भी थे, खरीद भी लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, बस इतना ही था इनका, और अच्छा, कुछ नहीं था। गायों की सेवा कर रहे थे यहाँ? और ये गांव की सेवा करते थे बस। अच्छा, उनका यानी एक तरह से ऐसा था कि दूध वूध बेचते थे अपना, उसी से गुजारा कर रहे थे। अच्छा, ये आरोप लगा रहे कि गाय काटते थे यहाँ पर फार्म हाउस में, ये सब क्या है? नहीं सर, ये तो देखो एक इल्जाम लगाने वाली बात है, यानी गुमराह किया जा रहा है हर चीज से। राजा राम के शव के पोस्टमार्टम से उसकी चोटों का पता चलेगा। फिलहाल राजा राम को मौत की नींद सुलाने वाले कथित गौरक्षक फरार हैं। राजा राम उस भीड़ के शिकार हो गए जिसने ये खुद तय कर लिया कि राजा राम गुनहगार हैं और उनको मौके पर ही सजा दे दी। अब राजा राम के परिवार में उनके 4 छोटे बच्चे और उनकी पत्नी हैं जो इस सुनसान इलाके में अकेले हैं। इनके घर में अब ना तो कोई कमाने वाला है और ना ही इनकी देखभाल करने वाला। नई दिल्ली से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ
मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गौरक्षा के नाम पर राजा राम की हत्या हो गई। उस गाय की हत्या का आरोप लगा दिया गया जिसकी सफाई देने के लिए राजा राम अब जिंदा नहीं है। नियम कानून की परवाह किसी को नहीं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन नियम कानून की परवाह नहीं कर रहा है। भारत के समाज में कई स्तरों पर झगड़े चल रहे हैं। संस्थाओं को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच झगड़े शुरू हो चुके हैं। ममता बनर्जी, केसीआर और अब शरद पवार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ लगा दिया गया है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। आज के दिन मुश्किल है क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ किसी के खिलाफ लगाना, इसके खिलाफ कुछ माहौल पैदा करना, कुछ एक्शन लेना, ये बात कंटिन्यूसली चालू है। खास तौर पर दो स्टेट में है, एक महाराष्ट्र और दूसरा वेस्ट बंगाल, और ये दोनों जगहों पर इसका सामना करने की मानसिकता हम लोगों की है। भाजपा के एक नेता के ऊपर भी ना ईडी जाता, ना सीबीआई जाता, ना खुद जाता। जहां भी कोई प्रश्न उठाते हैं, देखो ये लोग कहने लग जाते हैं जी, हर राज्य में इनका एक तमाशा बना हुआ है। चंद ही दिनों में मुख्यमंत्री को हम जेल भेजेंगे। हमने कहा आओ दम है तो आओ, किसको कौन जेल भेजेगा, आ जाओ दम है तो आ जाओ। हर राज्य में हर किसी के साथ मैं साफ कहता हूं, देश आपको समझ चुका है, आपका जनतंत्र का राज्य नहीं है, आप लोग षड्यंत्र का राज चला रहे हैं। धीरे धीरे पूरा देश समझ गया है, अब देश चुप बैठने वाला नहीं है। केंद्र और राज्य के संबंध भी नए सिरे से परिभाषित किए जा रहे हैं। देश के कई विश्वविद्यालयों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिस्टम लाया गया है, तो इसके विरोध में तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हिंदी नहीं थोपने देंगे। उन्हें यह क्यों कहना पड़ रहा है? जांच एजेंसियों पर एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लग रहे हैं। यह सबका भारत है या एक तरफा भारत है? सत्ताईस शहरों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। क्या अब गर्मी कुछ कम है जो हमारे नेता धार्मिक मुद्दों के सहारे माहौल में गर्मी पैदा करने लगे हैं? इस गर्मी में भड़काऊ बातों से दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। आसमान को आग बरसाने दें। लाइव मिंट नाम के अखबार में दिलाशा सेठ, रवि दत्ता मिश्रा ने अपने लेख में बताया है कि कपड़ा इतना महंगा कभी नहीं हुआ। 8.5 साल में इस वक्त सबसे महंगा कपड़ा बिक रहा है। जूते चप्पलों के दाम भी 8-9 साल में सबसे ज्यादा बढ़ गए हैं। 19 महीनों में अनाज कभी इतना महंगा नहीं हुआ। हिंदू अखबार ने लिखा है कि खाद्य तेलों के दाम में 18.8% की वृद्धि हो गई। तेलंगाना में लाल मिर्च 45,000 क्विंटल हो गया है, जबकि पिछले साल 8 से 9 हजार रुपए क्विंटल था। इतनी महंगाई देखकर किसी का भी माथा गर्म हो जाए, लेकिन उस पर ठंडा पानी डालने के बजाय धर्म के नारों से माहौल को गर्माया जा रहा है। एक अखबार ने बताया कि 1 किलो नींबू के बदले आप 5 किलो अंगूर खरीद सकते हैं। इस तरह से तो हमने महंगाई को देखा ही नहीं था। ऐसे देखने पर वाकई महंगाई बिल्कुल नजर नहीं आती है। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के महंगाई की चर्चा अब नींबू के सामने फीकी पड़ गई है। नींबू के 200 से 250 रुपए किलो बिकने की खबर ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। लेमन प्राइस हाइक हैशटैग के साथ रिया नींबू लगा पेड़ का फोटो लगाकर लिखती हैं कि अब मेरे घर पर इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। वहीं मर्सिडीज कार की फोटो दिखाकर सुब्बा राव लिखते हैं कि मैं नींबू खरीदने जा रहा था, लेकिन अचानक उनका प्लान बदल गया, अब नींबू की जगह वो मर्सिडीज खरीदने जा रहे हैं। मीम ही नहीं, महंगे नींबू की खबरें अब तो अंग्रेजी अखबार की सुर्खियां भी बन रही हैं। शाहजहांपुर के तिलहर में इस बेचारे सब्जी वाले के 10,000 के नींबू पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। नींबू पर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। आपने कहा महाराष्ट्र और आंध्र में, तो दोनों के दोनों एंटी गवर्नमेंट चल रहे हैं हमारे। ये लोग लूट मचा रहे, वहीं से माल महंगा भेजेंगे, तो ये गरीब बेचारे कैसे सस्ता बेचेंगे? इनका तो 20% का मार्जिन होगा ज्यादा। 15 दिन पहले सब्जियों के रेट, जैसे आपका जो है नींबू था, नींबू जो है आपका 45 से 50 रुपए किलो था, लेकिन आज की डेट में जो है 250 रुपए और 200 रुपए किलो बिक रहा है जी। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण? ऐसा हुआ है कि कुछ तो पीछे से माल कम है जी,
और कुछ मौसम बदलाव हो रहा है, कुछ डीजल पेट्रोल का भी जो है असर है। नींबू की बढ़ी कीमतों का असर इसकी बिक्री पर पड़ा है। बसंत कुमार जैसे सब्जी बेचने वाले अब नींबू को वापस करने के लिए मंडी में लाए हैं, क्योंकि बिक्री कम होने से नींबू रखे ही रखे सूख रहा था। नींबू वापस करने क्यों आए हो? ये सूखा था, मैं दिखाने आया था। अच्छा, हाँ, खरीद ही नहीं रहा है क्या नींबू जो वापस आप कर रहे हो? अब जो हल्का तो हल्के रेट बेचना पड़ेगा, हाँ। जो बढ़िया तो बढ़िया भाव बिक जाएगा। तो कहाँ हल्के रेट में बेच रहे हैं आप लोग? तो 200-250 रुपए में बेच रहे हैं। 200 तो बढ़िया बिकेगा, हल्का कहाँ बिकेगा आप बताइए पहले। लेकिन एक तबका इस बढ़ोतरी से खुश भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नींबू के बड़े कारोबारी तिलक सैनी बताते हैं कि नींबू की महंगाई से जहां किसान मालामाल हुए हैं, वहीं व्यापारी और आम आदमी बेहाल। जो नींबू महंगा हुआ है उससे सर किसानों को तो फायदा मिला ही है। किसानों को तो बहुत मोटा पैसा मिला। अच्छा, हाँ। आप लोगों को क्या है सर? 7,000 की बोरी किसान लेके गया पैसा। आप लोगों को भी फायदा? हमें तो नुकसान है। क्यों? बहुत बहुत नुकसान है। कई व्यापारी तो हो गए काम उनका। अच्छा, हाँ जी, किसी का BPI हो गया, किसी का शुगर बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक नींबू के दाम मई तक घटने के आसार हैं, जब नई फसल तैयार हो जाएगी। बदलते मौसम में नींबू ने भी दिखला दिया है कि महंगाई की रेस में CNG, डीजल और पेट्रोल के मुकाबले वो आगे निकल सकती है। तो फिलहाल नींबू की महंगाई आपके दांत हाल फिलहाल में खट्टे करती रहेगी। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। मिडिल क्लास महंगाई से परेशान नहीं है, मतलब राजनीतिक रूप से परेशान नहीं है, वो आर्थिक परेशानी को अब निजी परेशानी मानता है। अभी तक मिडिल क्लास टैक्स से ही देश के विकास में योगदान दे रहा था, लेकिन वो महंगे दाम देकर भी योगदान देने लगा है। मिडिल क्लास की इस कुर्बानी की याद में एक म्यूजियम बनना चाहिए। भारत में महंगाई 17 महीनों में सबसे अधिक है, 7% के करीब। लेकिन चिंता मत कीजिए, अमेरिका वाले भी खुश नहीं है। वहां तो 40 साल में सबसे अधिक महंगाई है, 8.5%। अमेरिका की हालत देखकर लगता है हम लोग ठीक ही हैं। पॉजिटिव न्यूज में इतना ही, ब्रेक ले लीजिए। NDTV 24/7 के विष्णु सोम और NDTV इंडिया के उमा शंकर यूक्रेन में हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेन के शहरों की क्या हालत है, वहां क्या हालात हैं, अपनी रिपोर्ट में उमा बता रहे हैं। यूक्रेन के बुचा शहर का ये वो चर्च है जिसके कैंपस में मास ग्रेव मिला करीब एक हफ्ते पहले, और अब यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुँचे हैं जांच के लिए कि आखिरकार इनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। रूस की तरफ से लगातार इस बात की मनाही की जा रही है कि अत्याचार उसकी तरफ से किया गया है। रूस का ये कहना है कि उसके सैनिकों के यहाँ से चले जाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने ये किया है, अपने बचाव में रूस की ये दलील है। लेकिन यूक्रेन का सीधा सीधा आरोप है कि जब यहाँ जमावड़ा था रूसी सैनिकों का, तो खुद उनके लौटने के पहले उन्होंने यहाँ पे सिविलियंस पे काफ़ी अत्याचार किया और उनको कोल्ड ब्लडेड तरीके से मारा है। ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं, इसमें दर्जनों की तादाद में जो लाशें हैं वो दफन हैं, और इनको अब यहाँ से एग्ज्यूम करके, यहाँ से निकाल कर जांच के लिए ले जाया जाएगा। गनशॉट का अगर निशान है बॉडी पर, तो जाहिर सी बात है कि गनशॉट से इनको मारा गया। अगर किसी और तरह के अत्याचार का निशान है तो वो भी जांच में सामने आएगा, और ये ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जानना कि आखिरकार रूस ने किस तरीके से यहाँ पर अत्याचार किया। ये वो इलाका है जहाँ क्यू को घेरने के क्रम में रूसी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा रहा, और अब इस ग्रेव के मिलने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर पहुँचकर अपनी निगाह से ये देख रही है और दुनिया को दिखाएगी कि आखिरकार जो ये जांच का काम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले आपको दिखाएंगे कि जो बॉडी के को बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पर क्रेन लाया गया है, और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं और जो स्टाफ हैं वो इस काम को अंजाम देंगे, और वहाँ जो जो आपको हरी जैकेट में जो नज़र आ रहे हैं वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो अपने इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक बहुत ही भयावह तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आई है, और न सिर्फ यहाँ बल्कि मारकीव और कुछ शहर हैं जहाँ से मास ग्रेव के मिलने की खबर आई है, और वहाँ भी अत्याचार किया गया है नागरिकों पर, इस तरह का आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि रूस ने जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस तरीके से क्यू को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही प्रतिरोध मिला यूक्रेन की सेना की तरफ से, और
वापस उनको लौटना पड़ा है। हालांकि वो वापस इधर इस इलाके से तो लौटकर चले गए हैं, लेकिन डॉनबास के इलाके में उनकी ज़्यादा मौजूदगी है। बड़े बड़े उनके जो उनका जो कॉन्वॉय है वो वहाँ पे कूच कर रहा है। इस तरह की सैटेलाइट इमेजिनरी भी सामने आ रही है और ख़ुद पुतिन ने भी कहा है कि उनका जो इरादा है वो जो पूर्वी यूक्रेन है वहाँ के लोगों को यूक्रेन के अत्याचार से बचाना है। तो ये उनकी तरफ से दलील है। लेकिन यहाँ बूचा में जो दृश्य है वो दृश्य बहुत ही भयावह है और यहाँ पर होना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ से जो सटीक जानकारी है वो लेकर आपके लिए हमें आना है। तो देखिए अब किस तरीके से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। जो जिस तरह से पॉलीथीन से इसको रैप किया गया था, ढका गया था, वो हटाया जा रहा है और यहाँ इन बॉडीज़ को यहाँ से अब निकाला जाएगा और उनको जाँच के लिए ले जाया जाएगा। और देखिए किस तरह से मीडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा जो है वो यहाँ पर है। तो ये एक कहानी है रूसी अत्याचार की जिसकी जाँच की जा रही है और ये परत दर परत खोलेगी कि आखिरकार रूस ने किस तरह से सिविलियंस को भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। रेप और बाकी जो अत्याचार हैं वो भी किए गए हैं, उसको भी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ये यूक्रेन ने आरोप लगाया है। और अब देखिए कि ये सिलसिला चल रहा है। बूचा शहर से कीव की तरफ आगे बढ़ते हुए इस जगह पर यहाँ पर ये रूसी टैंक, एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 5-6 टैंक्स जो हैं यहाँ पे इस तरह से तबाह हुए। जाहिर सी बात है कि ये दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पर जो फियर्स फाइटिंग है, जो एक भीषण लड़ाई है रूसी फोर्स और यूक्रेन की सेना के बीच, वो यहाँ पर अंजाम दिया गया। जिस तरीके से इन टैंक्स को उड़ाया गया है, बर्बाद किया गया है, वो बताता है कि यूक्रेन की तरफ से किस मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया गया और ये टैंक्स जो हैं वो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ये पूरा इलाका ऐसा था जहाँ पे रूसी सैनिकों का जमावड़ा था और वो भारी असलहे और लंबा जो उनका जो एक सिलसिला था, कारवां जो था, वो यहाँ पर कैंप किए हुए था। और ये जो टैंक हैं वो एंटी टैंक माइन से इसको उड़ाया गया है। ये भी कहा जाता है कि जो टर्की से जो एक ड्रोन जिसका कि काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया यूक्रेन ने अपने डिफेंस के लिए, उसके इस्तेमाल के ज़रिए भी टैंक्स को नुकसान पहुँचाया गया और इसी भारी नुकसान की वजह से ऐसा हुआ कि रूसी सैनिकों को लौटना पड़ा है यहाँ से। जिस तरह से वो क्यू का घेराबंदी किए हुए थे वहाँ से उनको लौटकर जाना पड़ा। तो ये तबाही का आलम जो है ये रूसी टैंक्स हैं। और जिस तरीके से देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टैंक तो यहीं पे नज़र आ रहे हैं और इस तरह के और भी कई इलाके हैं जहाँ पे रूसी टैंक को इसी तरह से गंभीर जो एक प्रतिरोध है उसका सामना करना पड़ा और उसकी सेना के पैर उखड़े और तभी वो यहाँ से वापस भागी। हालांकि वो दूसरे इलाके में जाकर डॉनबास के इलाके में उनका लंबा कारवां आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ तक क्यू की बात है, क्यू के बाहर जो यूक्रेनी सैनिक हैं उन्होंने उनको जमने नहीं दिया। लंबे वक्त तक वो बैठे रहे लेकिन आखिरकार उनके पैर उखड़ गए और वो वापस गए। तो एक बार फिर इस दृश्य के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि किस तरह से रूसी टैंक को तबाह किया यूक्रेन की सेना ने। कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।